पिता के जाने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए पहली परीक्षा आ गई है। लखीमपुर में गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसके लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और वोटिंग की तारीख 3 नवंबर है। प्रचार थमने के साथ ही प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मैदान में 7 प्रत्याशी हैं। हालांकि इसे भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर कहा जा रहा है, क्योंकि बसपा और कांग्रेस ने इस उपचुनाव से दूरी बना ली है। आपको बता दें कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर यहां से विधायक रहे अरविंद गिरी के निधन के चलते हो रहा है। बीजेपी ने उनके बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के अलावा करीब 16 मंत्री व राज्य मंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहां जनसभा को संबोधित किया। पिता मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव के लिए ये उपचुनाव पहला इम्तिहान है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पूर्व मंत्री व विधायकों ने गोला विधानसभा में पहुंचकर चुनाव प्रचार किया। सपा ने भी कई स्टार प्रचारकों को इस चुनाव मैदान में उतारा। डोर टू डोर जनसंपर्क के साथ ही नुक्कड़ सभाएं करके सपा प्रत्याशी व स्टार प्रचारकों ने सपा की नीतियां लोगों को बताई। आज अंतिम दिन है, ऐसे में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 3 नवंबर को मतदान होना है और गिनती 6 नवंबर को की जाएगी। बीते 2 चुनावों को देखते हुए उपचुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन कांग्रेस और बसपा के ना होने से उनके कोर वोटर किस ओर रुख करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ,